स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम के बाद कांग्रेस मिशन मोड में है। राहुल गांधी के दौरे के बाद आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के मंडला पहुंची हैं। प्रियंका ने यहां कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करते हुए सूबे में सत्तासीन शिवराज सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला है। भाषण के दौरान उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी को भी याद किया। कार्यक्रम से पहले प्रियंका ने मंदिर में पूजा की। प्रियंका ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये महाकौशल की भूमि है। प्रियंका गांधी ने शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा, लोग रोजगार के लिए राज्य छोड़ रहे हैं और वे यहां आपके लिए रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर रहे हैं। भाजपा 18 साल से सत्ता में है लेकिन रोजगार के अवसर नहीं मिले हैं। वे केवल लूट में व्यस्त हैं और हर जगह घोटाले हैं और वे चुनाव के समय भटकाने वाले मुद्दों को लाते हैं और लोगों के इमोशन से खेलते हैं। प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, भाजपा शासन के लगभग 225 महीनों में मध्य प्रदेश में 250 से अधिक घोटाले हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने लूट का पूरा सिस्टम बना रखा है। आदिवासी और ओबीसी वोटर्स बहुल सीट मंडला में प्रियंका ने कहा कि आदिवासी लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस महासचिव ने कहा, यही कांग्रेस पार्टी की परंपरा और सिद्धांत रहा है। हम चाहते हैं कि देश की, प्रदेश की, आपके जिले की संपत्ति आपके हाथ में हो। हम चाहते हैं कि आप मजबूत बने और आपको अपनी शक्ति मिले। कोई दूसरी पार्टी या भाजपा क्या आपकी शक्ति आपके हाथों में देंगे? इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।